तारों के जरिए सुर बिखेरने वाले साजों में एक है सितार। दूसरे साजों की तरह सितार की तैयारी भी कई मराहिल में होती है। इसे बनाने के लिए सबसे अहम चीज है कद्दू। ये जो तोमा है इसको ये देखें, ये लगा हुआ है, ये है लौकी का बना हुआ, जो बड़ा कद्दू नहीं होता वो ऐसा। सितार बनाने के लिए एक मुनासिब साइज के कद्दू को इस कदर सुखाया जाता है कि वो सख्त होकर चोट बर्दाश्त करने और आवाज पैदा करने के काबिल हो जाए। कद्दू में कुदरती तौर पर फांके बनी होती हैं जो उसके सुर पर असरअंदाज होती हैं। सितार बनाने के लिए कद्दू के जैसा खोल लकड़ी से भी बनाया जाता है, जिसके अंदर लकड़ी का गुटका लगाने के बाद टुकड़ों को यकजा किया जाता है। एक खोल में लकड़ी के 25 टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। गोल शक्ल तैयार होने के बाद उस पर लकड़ी का एक और टुकड़ा लगाया जाता है, जो उसकी गर्दन या गल्लू कहलाता है। उसको टूंबे पर लगाया जाता है, जिसे तबली कहते हैं। फिर एक और लंबी लकड़ी टूंबे के मुंह से जोड़ी जाती है, जिसे डांडा कहते हैं। डांडा लगाने के बाद अब सितार अपनी शक्ल इख्तियार कर जाता है। कराची में एक दुकान थी सदर में, तो वहाँ पे मैं काम करता था। 84 की बात है कि वो एक अंग्रेज़ को किसी को सितार चाहिए था, इसमें मोर लगता था। पुराने दौर के अंदर मोर का सितार बनते थे ज़्यादातर, तो मैंने वो काम फिर मोर के सितार भी बहुत से बनाए थे। देखिए, हम तो पूरी लकड़ी से बनाने से लेके हर चीज़ से, हड्डी भी होती है, लकड़ी भी होती है, लोहा भी होता है उसमें, हम तो हर चीज़ से उसको करते हैं। बजाने वाले होते हैं वो तार से खेलते हैं। उसके बाद सितारों पर तारों के अलावा तार गहन, ब्रज मनका, लंगूट वगैरह लगाकर सितार को आखिरी शक्ल दी जाती है। और ये कहलाते हैं, सुर भी कहलाते हैं और पर्दे कहलाते हैं, यानी कि हर सुर पे बोलता है। जैसे नोट बोलेगा सा रे गा मा गा नी सा, ये सुर हैं इसके, जिसे ठाट कहते हैं, पर्दे कहते हैं। सितार के तारों से मौसीकी की लतीफ लहरें निकालने के लिए एक छोटा सा औजार इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुजराब कहते हैं। सितार नवाज उसे उंगली में पहनकर सितार के तारों को छेड़ता है और सुर बिखेरता है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।